हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कामन, आप सभी को मेरे फूड कोर्ट में स्वागत है। मैं आज मुंबई स्ट्रीट फूड फ्रेंच फ्रंकी बनाने वाली हूं। इसको आलू फ्रंकी भी बोलते हैं। वो खाने में तो बहुत टेस्टी है, उसी के सिवा हम लोग इसी को ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं, साथ में बच्चे को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलो आज का रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी लगा देना। तो पहले मैं फ्रंकी के लिए आटा गूंध लेती हूँ। इसी के लिए 2/3 कप मैदा लिया हूँ, उसी के साथ 1/2 कप गेहूँ का आटा लिया हूँ और थोड़ा सा नमक। इस सारे सामान को अभी थोड़ी देर में मिला लेती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं उसी के साथ पानी ऐड करती हूँ। जैसे हम लोग रोटी या पराठा के आटा गूंधते हैं ना, उसी तरह गूंध लेना है, बस इस तरह। अभी थोड़ी सी ऑयल डाल थोड़ी देर में उसको मसल लेती हूँ। ये अभी हो चुका है, अब मैं 5 से 10 मिनट इसी को छोड़ देते हैं ऐसे ही। कि मसाला के लिए मैंने लिया हूँ 1/2 टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रोस्टेड धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला नहीं तो आमचूर पाउडर, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून और रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून और साथ में थोड़ा सा हींग। सारे सामान को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी ये अच्छे से मिल गई है, हमारा फ्रंकी मसाला बनके रेडी हो गई है। चलो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरह चल जाते हैं। हींग के लिए मैंने लिया हूँ 3 बड़े साइज़ के पटाटो। इसको अच्छे से मैं फोर्क के साथ ऐसे मैश कर लेती हूँ। तो आपके पास कोई ग्रेटर है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप उसी हिसाब से कर लेना। तो इसी टाइप की अच्छे से मिला लेना सारे चीज़, सारे आलू को। देखो ये अच्छे से अभी कद्दूकस हो गई, कितना फास्ट हो गई है। तो आप इसी तरह कर सकते हो। पहले मैं एक पैन में पहले हीट होने देती हूँ। हीट होने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करती हूँ। ऑयल को अच्छे तरह स्प्रेड कर देना, जैसे आप देख रहे हो उसी तरह बिल्कुल चारों साइड में आना चाहिए। चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून उसी के अंदर मैं डाल ली हूँ और चॉप्ड जिंजर 1 टेबल स्पून उसी के अंदर डाल ली हूँ और रफली चॉप्ड ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून उसी के अंदर डाल ली हूँ। उसी को थोड़ी देर में सटे कर लेती हूँ, उसे अच्छी तरह थोड़ा भून लेने से रफ फ्लेवर उसी का चली जाए। देख लो उसी तरह थोड़ा सा इसी को मीडियम फ्लेम में पकाना। थोड़ी देर के बाद मैं 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी तरह 1 से 2 टेबल स्पून टमाटो केचप उसी के अंदर भी ऐड करना, क्योंकि उसी में से तो उसका बढ़िया फ्लेवर आएगी, क्योंकि वो सेजवान चटनी की तरह उसी का फ्लेवर आने वाली है। नहीं तो ये सब को छोड़ के आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून सेजवान सॉस भी डाल सकते हो। उसी के बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं मसाला में लिया था नमक। उसके बाद मैं फ्रंकी वाला मसाला ऐड कर रही हूँ, वो बड़ा वाला स्पून में डाल रही हूँ, फुल स्पून डाल रही हूँ उसी के अंदर। तो सारे आलू को जो मैश करके रखा था उसी के अंदर अभी मैं ऐड कर रही हूँ। इसी को अच्छी तरह ऐड करना। मिला लेना, उसी को अच्छे से मिला लेना, जैसे आलू और मसाला अच्छे से मिलना चाहिए। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना उसी टाइम रख के उसका मिक्स। अभी ये हमारा मिक्सर रेडी हो गई फिलिंग का। तो आलू अभी अच्छे से मसाला के साथ मिक्स हो गई है। अभी हम फ्रंकी के लिए रोटी बना रही है। देखो ये कितना सॉफ्ट डो बन के हमारा रेडी हुआ है। तो इसी टाइप के हम गोला बनाएंगे अभी। देखो हमारा इसी तरह 5 गोला बनेगी, तो इतना सारा सामान से हमारा 5 गोला बनती है, 5 फ्रंकी बनेगी। तो हमारा गोला अभी रेडी हो गई है रोटी बनाने के लिए। जो आलू का मसाला हमने बनाया था उसी से मैं ऐसे राउंड शेप दे दिया हूँ, उसी को थोड़ी देर हम लोग शेक लेते हैं। इसी के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल उसी के अंदर ऐड कर रही हूँ, 1 मिनट पकने के लिए छोड़ते हैं। इसी तरह मीडियम फ्लेम में थोड़ी टाइम उसको पकने के लिए छोड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद उसको पलटी करते हैं, दूसरे साइड भी अच्छे से होना चाहिए। तो
दोनों साइड को हम लोग अच्छी तरह पकाएंगे। दोनों साइड अभी हमारा अच्छे से हो चुका है। अभी दोनों को मैं एक फ्लेयर से निकाल ली हूँ। रोटी को हम अभी बेल लेंगे थोड़ा सा आटा का छिड़का लगा के। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हम लोग इसी को बेल लेंगे, गोल जैसा बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं कि ज़्यादा मोटा नहीं। तो हमारा अभी रोटी बन के रेडी हो गई है, उसी का हम सेकते हैं लेके अच्छी तरह। पहले सेकते हैं वन साइड अच्छे से होने के बाद उसको पलटी करके दूसरा साइड भी अच्छे से सेकते हैं। थोड़ी सी ऑयल लगाते हैं दोनों साइड में, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने के बाद ये अच्छे से हो चुका है। देखो दोनों साइड हमारा रोटी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अभी दोनों चीज़ को अच्छे से रोल करना है, तो मैं टिक्की को थोड़ा सा टैप कर रही हूँ जैसे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। देखो ये अच्छे से अभी स्प्रेड हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा टमाटो केचप उसी के अंदर डाल कर रही हूँ और थोड़ा सा ग्रीन चिली। दोनों चीज़ को ऐसे थोड़ा सा ऐड करने के बाद मैं जो लिया था फ्रंकी मसाला थोड़ा सा उसी के ऊपर स्प्रिंग करती हूँ। तो उसी के ऊपर जाएगी थोड़ा सा कैबेज, उसके बाद थोड़ा सा कच्ची ओनियन, स्लाइसेस वाला ओनियन इसी तरह स्प्रेड करने कर देते हैं। तो अभी उसी को रोल करते हैं, वन साइड को ऐसे लेके पूरा इसको घुमा के अभी रोल करने वाले हैं। अभी हमारा रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी को कि सिल्वर पेपर, नहीं तो आपके पास कोई भी पेपर है उसी में से आप उसी को रोल कर सकते हो। ये हमारा अभी फ्रंकी बन के बिल्कुल रेडी हो गई, आलू फ्रंकी। बना के खाओ और कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।